निजमयो देवा महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जग वंदन अंजन सुत बलधारी संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट ना आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट ना आवे ले जो शरण संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। माँ को अपने पुत्र की वीरता पर संदेह, किंतु वर्तमान परिस्थितियों में आप चिंता मत करें माते और आशीर्वाद दीजिए हमें। लंकेश पुत्र मेघनाथ युद्ध भूमि में पुनः आ रहे हैं। वो कुछ नहीं कर सकता, उसका अंत सुनिश्चित हो चुका है। लक्ष्मण उसके प्रहार और प्रचंड हो गए हैं। कैसे 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 हो गया ये सब कुछ? कैसे हो गया? क्या हुआ आपके आशीर्वाद का? क्यों निष्फल हो गया आपका आशीर्वाद? क्यों निष्फल हो गया आपका आशीष? ये आप ही को बताना होगा देवी, क्योंकि ये केवल आपका उत्तरदायित्व था और ये आप ही को बताना होगा कि क्यों मेरी लंका का मान सम्मान और मेघनाथ की शक्ति पर कलंक लगा। ये केवल आपको बताना होगा। कौन सी भूल करी आपके पुत्र मेघनाथ ने? अपने आशीर्वाद का हाथ मुझ पर से क्यों खींच लिया माते? क्यों? कोई उत्तर है आपके पास? आपको इसका उत्तर देना होगा देवी। केवल आपको इसका उत्तर देना होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है। कोई उत्तर नहीं है आपके पास, केवल मौन रखा हुआ है आपने। और सिवाय मौन के आपके पास कोई उत्तर नहीं। किंतु देवी निकुंबला, आपके इस मौन से मेरे पिता श्री लंकेश्वर रावण के माथे पर जो कलंक लगा है वो धुलेगा नहीं। आपके इस मौन से हमारी मातृभूमि की रक्षा नहीं होगी माते, नहीं। आपको मुझे अक्षय वरदान देना होगा माते। और इस मेघनाथ की भुजाओं में वो शक्ति देनी होगी, वो शक्ति जिससे मैं उन रघुवंशियों के वंश का समूल नाश कर सकूं। देना होगा मुझे वो अक्षय वरदान माते। और जब तक आप वो अक्षय वरदान नहीं देती, तब तक आपका पुत्र मेघनाथ यही आपके समक्ष रहेगा माते, यही आपके समक्ष रहेगा, यही माते, यही खड़ा रहेगा।
कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कुंभलाय नमः स्वाहा। ओम देवी निकुंभलाय नमः स्वाहा। ओम देवी निकुंभलाय नमः स्वाहा। ओम देवी निकुंभलाय नमः स्वाहा। ओम आम पत स्वाहा। ओम आम पट स्वाहा। ओम देवी निकुंभलाय स्वाहा। संकट मोचन जय हनुमान। मेरा नाम सुलोचना है। मैं कुलदेवी के दर्शन के लिए माता निकुंभला के मंदिर जाना चाहती हूँ, किंतु सुरक्षा को देखते हुए किसी भी लंकावासी को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रभु, संकट मोचन जय हनुमान। देवी सुलोचना, क्या बात है, आप इस समय यहाँ? रात्रि इतनी भयानक है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, नींद नहीं आ रही है मुझे। आप चिंता ना करें देवी, युवराज तो जानती हूँ वो तंत्र सिद्धि में है, किंतु सिद्धि में वो अपनी भार्या को कैसे भूल सकते हैं? रात्रि का अंतिम प्रहर, ना तो वो स्वयं आए और ना ही उनकी कोई सूचना। देवी, वो इंद्रजीत है और उनसे शक्तिशाली इस संसार में कौन है? तुम मुझे बातों में भ्रमित ना करो, तुम अभी मेरे साथ चलो, मुझे अपने पति से मिलना है, अभी चलो। ठीक है देवी, मैं आपको जाने से कैसे रोक सकती, चलिए। रात्रि की इस बेला में हमारे शिविर की ओर स्त्री का समूह। कौन है ये दुस्साहसी देवियां और क्या चाहती हैं ये? ठहरो, ये युद्ध शिविर है, कोई आगे नहीं बढ़ सकता। कौन हो तुम? मैं लंका की कुलवधू हूं। हमारा मार्ग रोकने की व्यर्थ चेष्टा ना करें। यहां किसी कुलवधू की माया काम नहीं आएगी देवी। ये प्रभु श्री राम का शिविर है और यहां किसी भी लंकावासी का प्रवेश वर्जित है। यदि अपना भला चाहते हो तो हमारा मार्ग छोड़ दो।
अन्यथा अनर्थ होगा। जाओ, जाकर अपने स्वामी को सूचना दो कि महातेज महाबली इंद्रजीत की भार्या सुलोचना को कुल देवी के मंदिर में दर्शन करने जाना है। प्रभु श्रीराम राक्षसी माया का छल भली भांति जानते हैं, हमें कुल देवी के नाम पर भ्रमित करने का प्रयास मत करो। देवी, हम व्यर्थ विवाद करना नहीं चाहते, हमें मार्ग दो अन्यथा हमसे युद्ध करो। क्षमा करें देवी, हम स्त्री के साथ युद्ध नहीं करते, ये हमारी नीति में नहीं है। हमारा भी उद्देश्य युद्ध करना नहीं है, आपके स्वामी हमारे वैरी हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमें मंदिर जाने से रोक दे। आज हमारे मार्ग में श्री राम क्या, संसार की कोई भी ताकत कोई भी शक्ति आएगी तो हम उसे भी क्षमा नहीं करेंगे। आपकी चुनौती से हमें कोई भय नहीं है देवी, हम तो आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने समूह के साथ यहाँ से लौट जाएं। हमारा समय नष्ट ना करे वानरराज। पवन कुमार, प्रभु आप किससे वार्ता कर रहे हो, कौन है ये देवी? प्रभु ये स्त्री स्वयं को लंकेश की कुलवधू और मेघनाथ की भार्या बता रही है। ये अपने कुलदेवी के दर्शन के लिए हमारे शिविर के मार्ग से जाना चाहती है, किंतु हमारे शिविर में रक्ष कुल देवी। सीतापति राम, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरा नाम सुलोचना है, मैं कुल देवी के दर्शन के लिए माता निकुमला के मंदिर जाना चाहती हूँ। किंतु सुरक्षा को देखते हुए किसी भी लंकावासी को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रभु हनुमान, इन्हें जाने दो, हमें इनसे कोई भय नहीं है, पुनः इन्हें अपने कुल देवी के दर्शन करने हो और ऐसे में इनका मार्ग रोकना धर्म के विरुद्ध होगा। किंतु प्रभु ये हमारी शत्रु है। निश्चित लंकेश हमारे शत्रु है, किंतु समस्त लंकावासी हमारे शत्रु नहीं। किंतु मुझे आशंका हो रही है प्रभु। आशंका दुर्बलता है हनुमान, जो सर्वशक्ति संपन्न उसे कैसी आशंका। ठीक है प्रभु। हनुमान इन्हें जाने दो, चाहिए दे। रक्षेंद्र विभीषण, क्या आप लंका के इस कुलवधू को पहचानते हैं? हाँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें वैदेहीनाथ। आप कौन हैं देवी, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? क्या आप भी लंका की कुलवधू हैं देवी? हाँ, परंतु मेरा उद्देश्य निकुम्बला देवी के मंदिर में जाने का नहीं है,
मेरा उद्देश्य कुछ और है। निसंकोच कहिए देवी। आपके कृपा पात्र लंकेश के अनुज मुझे पहचानते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उनके सम्मुख एक रहस्य प्रकट करना चाहती हूँ। ठीक, हम अभी रक्षेंद्र विभीषण के पास चलते हैं। आइए। समस्त संसार जानता है सुमित्रे, मेघनाथ देवताओं से वरदान पाकर निर्भय और असीम शक्तियों का स्वामी बन गया है। उसका वध असंभव तो नहीं है, किंतु कठिन अवश्य हो गया है। किंतु रक्षेंद्र, हमें किसी भी परिस्थिति में इस कठिन कार्य को पूर्ण करना होगा, और मैंने तो प्रण कर लिया है कि उस दुष्ट मेघनाथ का वध मैं अपने इन्हीं हाथों से करूंगा। अवश्य लक्ष्मण, अवश्य। तुम्हारा यह प्रण पूर्ण होगा। रक्षेंद्र विभीषण, क्या आप लंका के इस कुलवधु को पहचानते हैं? हाँ। हाँ प्रभु, ये देवी शर्मा है, मेरी भार्या। आप मुझे आज्ञा दे प्रभु। नहीं हनुमान, आप वहां नहीं जाएंगे। मैं स्वयं निकुमला देवी के मंदिर जाऊंगा। उस दुष्ट मेघनाथ के वध का इससे सुनहरा अवसर और कोई नहीं हो सकता। किंतु इन्होंने कुछ बताया नहीं। जब तक आपको मुझ पर विश्वास नहीं होता, तब तक आप मेरी बातों पर कैसे विश्वास करते श्री राम? किंतु देवी, इस रात्रि में आपके यहां आने का प्रयोजन क्या है? लंका में सब कुशल तो है ना? स्वामी, जब तक वैदेही की मुक्ति नहीं हो जाती, तब तक कैसे सब कुछ कुशल रह सकता है? किंतु यहां कैसे आना हुआ? वैदेही की मुक्ति के लिए एक रहस्य का उद्घाटन करने आई हूं स्वामी। किंतु ऐसा कौन सा रहस्य है देवी, जिसके लिए स्वयं आपको इस रात्रि में आना पड़ा? क्योंकि रात्रि के पश्चात इस रहस्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता पवन कुमार। देवी, आप कृपा करके हमें शीघ्र ही उस रहस्य के बारे में बताएं। मेघनाथ इस समय निकुंबला मंदिर में तांत्रिक सिद्धि यज्ञ कर रहा है। यदि वो इस यज्ञ में सफल हो जाएगा तो उसे देवी का अक्षय वरदान प्राप्त हो जाएगा। और उसका अंत असंभव हो जाएगा। किंतु मेघनाथ को ऐसा वरदान कैसे मिल सकता है?
मैंने तो कभी नहीं सुना। ये रहस्य मेघनाथ के सिवा केवल सुलोचना जानती है। मैंने उन्हीं की वार्ता सुनी है और उनका विश्वास है कि यदि मेघनाथ ने यह यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण कर लिया तो वो अमर हो जाएगा। पुनः हमें अभी इसी आयोजन को भंग करना होगा। आप मुझे आज्ञा दे प्रभु। नहीं हनुमान, आप वहां नहीं जाएंगे। मैं स्वयं निकुमला देवी के मंदिर जाऊंगा। उस दुष्ट मेघनाथ के वध का इससे सुनहरा अवसर और कोई नहीं हो सकता। नहीं लक्ष्मण, अभी निकुमला मंदिर में जाना उचित नहीं है। अभी मेघनाथ की भार्या देवी दर्शन के लिए गई हुई है। वो देवी के दर्शन के लिए नहीं, अभी तो अपने पति के दर्शन के लिए वहां गई हैं। कदाचित अपनी भार्या सुलोचना से मिलने के पश्चात ही वो यज्ञ सिद्धि का अंतिम चरण पूरा करेगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप अवसर देखकर उचित निर्णय करें और अभी मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दे प्रभु। यदि किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मैं इंद्रजीत मेघनाथ युद्ध भूमि में स्वयं शत्रुओं को पराजित करने की क्षमता रखता। ठीक है, मैं आपके विजय की कामना करूंगी। सदा आपकी जय हो। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। Day.